Hi friends, how are you all? Hope you all are doing well. So today we are discussing something very important. So as you all know that IBPS has just declared the vacancies of IBPS clerk, and the vacancies are very good vacancies. I can say 7000 jitni vacancies hai. तो आज हम लोग उसका पूरा जो नोटिफिकेशन है, जो पीडीएफ मिला है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या कौन कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और सारी चीज़ें, कौन कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो इफ इज़ देयर एनी एक्सपोर्ट फैकल्टी हू वॉन्ट टू ज्वाइन कछुआ, दे कैन ज्वाइन कछुआ. इफ़ यू आर एन एक्सपोर्ट फैकल्टी ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ GPSC, UPSC, IBPS, स्टैंडर्ड 5 to 12, गुजराती इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, देन यू कैन ज्वाइन कछुआ. वी वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कछुआ. इफ़ यू वॉन्ट टू परचेस अ बुक, अ कोर्स ऑफ कछुआ, देन गो विजिट नियर द बुक स्टोर, गो एंड विजिट द बुक स्टोर नियर यू. सारे कोर्सेस कछुआ के आपके नज़दीकी बुक स्टोर में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाके कोर्स खरीद सकते हो. सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दिस PDF. So here's the PDF in front of you. So IBPS is Institute of Banking Personnel Selection. So clerk ki vacancies aayi hai, theek hai. There'll be two online examination, the preliminary examination and the mains examination, and the mode of that is online examination. Okay, so if you will be selected in preliminary examination, if you clear the cutoff of preliminary examination, and then you will be able to appear in mains examination. Okay, so now these are the banks which are participating in IBPS. The banks are like Allahabad, Andhra Bank, BOB, BOI, then Central Bank, कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक. तो ये सारी बैंक्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही है इस एग्ज़ाम में. एंड हियर्स वी हैव द इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ द IBPS. इम्पॉर्टेंट डेट्स है, सबसे पहले तो हम कब तक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कब तक उसमें एडिट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फीस कब तक भर सकते हैं. तो 18 सितंबर से शुरू करके 10 अक्टूबर तक हम लोग उसको भर सकते हैं. कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है, पर उतना टाइम मत लीजिएगा. जैसे ही वैकेंसीज बाहर आती है आप उसको भर दीजिएगा फॉर्म को, ठीक है. 18 तारीख को आ रही है तो 19-20 तक भर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम पे सब कुछ सब लोग भरने बैठते तो कभी कभी भरा नहीं जाता, तो आप भर नहीं सकते और इतनी सारी अच्छी वैकेंसीज फिर ऐसे ही बिना ट्राई किए चली जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका है दिसंबर में. अगर आप देखो तो आपको कॉल लेटर नवंबर में मिल जाएगा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो आपका दिसंबर में होगा. तो यानी कि मान लो आज 14 तारीख है सितंबर का, तो सितंबर आधा महीना और अक्टूबर फिर नवंबर, दो महीने हैं आपके लिए, आराम से दो महीने हैं आपके लिए, तो आराम से आप प्रिपेयर भी कर सकते हो, ठीक है ना. उसका जो रिजल्ट होगा वो आएगा दिसंबर में, और मेंस का एग्ज़ाम जो होगा वो 20 जनवरी को होगा, ठीक है, और अप्रैल में आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है. ये बात हो गई इम्पॉर्टेंट डेट्स की. अब अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जो क्राइटेरिया है वो है कि आपको सारी जो नेशनैलिटी है, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज का क्वालिफिकेशन है, एज का जो क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें आपको फुलफ़िल करनी चाहिए. सो उसमें बोला है कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा. प्लीज़ नोट दैट नो चेंज ऑफ द कैटेगरी विल बी परमिटेड. आपको एक बार ही आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भर रहे हो पहली बार, तो आपने जो कैटेगरी डाली है, मान लो जनरल डाली है तो जनरल, फिर SC ST डाली है तो, मतलब जो भी कैटेगरी आपने डाली है वो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते. आपने एक बार ही अप्लाई कर दिया फिर वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है.
नेक्स्ट अगर बात करें नेशनलिटी और सिटीजनशिप की, तो वो है सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू नेपाल और सब्जेक्ट टू भूटान, और टिबेटियन रेफ्यूजी की जो 1 जनवरी 1962 से पहले आया है, तो वो एक चीज़ है। अगर हम लोग बात करें एज की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिनिमम 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल तक हो सकता है, ठीक है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 सितंबर 1990 और नॉट लेटर देन 1 सितंबर 1998, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, अगर अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन अगर हम लोग देखें, तो SC ST यानी कि स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब में 5 साल का है, OBS में जो है वो 3 साल का है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल का है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो कॉलेज है वहाँ की डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो सकते होने चाहिए, मतलब आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। और सर्टी भी होना चाहिए उसके स्कूल में, या फिर डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट आपने जो भी किया है वो तो आपको आपके पास होगा ही। और एक इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बोलिए कि अगर मान लो आप UP में हो या फिर आप गुजरात में हो और आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो वो उसमें अप्लाई तो कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर कहाँ पे दिक्कत आएगी, जब आपको वो चीज़, वो जो स्टेट होगा उसकी जो लैंग्वेज होगी वो आपको बोलना लिखना और रीड राइट एंड स्पीक आना चाहिए, मतलब क्योंकि अगर आप लोग, अगर कस्टम क्लर्क को मोस्टली कस्टमर डीलिंग करना होता है, अगर आप लोग को वो लैंग्वेज नहीं आती, तो वो तो फिर वहाँ पे आपका एक डिसएडवांटेज हो सकता है जब आप इंटरव्यू में जाते हो। तो आई से कि ऐसा ही प्रेफर करो कि अपने स्टेट में ही भरो, बट अगर आपको और कोई स्टेट में भरना है तो आप भर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि आप नहीं भर सकते। नेक्स्ट अगर हम लोग इम्पोर्टेंट बात करें, तो हाँ, मेंस एग्जाम, ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर प्री एग्जाम की बात करें, तो प्री एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आते हैं, द फर्स्ट वन इज इंग्लिश लैंग्वेज, 30 मार्क्स होते हैं और 30 सवाल होते हैं, यानी कि 1 मार्क का 1 सवाल और 20 मिनट। अब इसमें पहले होता था 1 घंटा मिलता था आपको, जो टाइम में जो करना है सब्जेक्ट वो आप कर सकते हो, अब वो सेक्शनल टाइम हो गया है, जैसे कि आप सबको पता है SBI ने शुरू किया था और सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो सेक्शनल टाइम में 20-20 मिनट का आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो अब जब PO की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, यानी कि उसमें बाकी के जो एरिथमेटिक सवाल होते हैं वो ज़्यादा आते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेनली वो लोग फोकस करते हैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और वो सारे जो होते हैं क्वेश्चंस वो ज़्यादा आते हैं, दैट इज़ व्हाई इट इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी है, तो वो सारे ही सवाल ज़्यादा आएंगे। 35 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 35 मैक्सिमम मार्क्स है, उसके लिए भी 20 मिनट मिलेगा, रीजनिंग के लिए सेम है 35 एंड 20 मिनट, ओके। और अगर आप, अगर ये देखो, इसमें एक और चीज़ IBPS ने हमें शॉक दिया है, जो कि SBI से भी आगे चला गया है, कि तीनों टेस्ट में उनको कट ऑफ भी सिक्योर करने, और SBI में तो ऐसा था कि सिर्फ आपको जो मेन कट ऑफ है वही करने थे, सेक्शनल कट ऑफ नहीं करने थे क्वालिफाई, बट इसमें तो सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्वालिफाई करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, तो मेंस एग्जामिनेशन में फर्स्ट है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कि होगा 50 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क 50 हो गए, टाइम 35 मिनट्स का है, इंग्लिश आएगा आपका, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, इसमें कंप्यूटर भी है आपका, और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा इसमें, ठीक है। तो अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आप आगे इंटरव्यू के लिए अपीयर हो जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, तो वो तो 0.25, दैट इज 1/4 ऑफ द क्वेश्चन, वो आपकी पेनल्टी है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि पेनल्टी आपकी जो मार्क्स होगा उसका 1/4 जो है वो आपकी पेनल्टी होगी। तो अगर एक सवाल गलत किया है तो 0.25 मार्क्स का कट होगा वहां पे,
ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स आप लोग देख लीजिएगा कि कौन से सेंटर से आप अपीयर करना चाहते हो, ठीक है। और देखते हैं नीचे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आपको डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको बोला इधर कि जो भी कॉल लेटर पे नेम होना चाहिए वो नेम, वो पैन कार्ड या पासपोर्ट या परमानेंट लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तब आपको अपना एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही होता है, पर उसके साथ साथ आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होता है, उसका ओरिजिनल और उसका जेरोक्स दोनों ही लेके जाना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो वो आप देख सकते हो कि फोटोग्राफ का साइज एक दिया हुआ है, फिर सिग्नेचर है, फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी है, और सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो और एक ये चीज़ भी आपको भर के देनी है, उसका उसको आपके हैंडराइटिंग में लिख के वहाँ पे अपलोड करना रहता है। पहले से फोटो और सिग्नेचर था, अब ये दोनों चीज़ ऐड हो गई है, जो कि थंब इम्प्रेशन है और ये पूरा जो डिटेल है एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, वो भी आपको देना होता है, ठीक है। अगर फीस की बात करें तो 100 रुपये होते हैं SC ST PWD एंड EXSM कैंडिडेट्स के लिए, और 600 रुपये फॉर अदर्स, ठीक है। 600 रुपये भरने होते बाकी लोगों के लिए। तो ये चार चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अपलोड करना होता है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, वो ज़रूरी है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, क्लियर। ऑनलाइन पेमेंट ही होता है इसमें, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा थ्रू द नेट बैंकिंग और थ्रू द डेबिट कार्ड सॉरी और द क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से स्टेट में क्या क्या वैकेंसीज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार में 00 है, वहाँ पे वैकेंसीज नहीं है। अगर बात करें आंध्र प्रदेश, तो वहाँ की भी वैकेंसीज दी हुई है, टोटल वैकेंसीज इस बार ही सारे स्टेट लेवल की अलग अलग से वैकेंसीज दी हुई है, और बैंकिंग की भी ऐसे ही अलग से दी है। हम लोग गुजरात का जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं एक बारी, बहुत सारी वैकेंसीज है अगर हम लोग देखें, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत कम है। दमन एंड दीव में सिर्फ एक ही वैकेंसी है टोटल। दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में SC लोगों की 53 है, फिर 28 है ST पीपल की, OBC में 100 लोग है और जनरल में 181 है, यानी कि टोटल अगर बात करें तो 362 वैकेंसीज है, ठीक है। सेम वे गोवा में 48 वैकेंसीज है, गुजरात ये रहा, गुजरात में 533 वैकेंसीज है, बहुत अच्छे वैकेंसीज है अगर बात करें तो, ठीक है। फिर हरियाणा में भी अगर 146 है, हिमाचल प्रदेश में 90 है। तो आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपना वैकेंसीज चेक कर सकते हो, यहाँ पे पूरी सारी डिटेल्स दी हुई है स्टेट वाइज, ठीक है। चलो, और ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स है आपको जहाँ पे एग्जामिनेशन देना है। अंडमान निकोबार में सिर्फ एक ही है, फिर आंध्र प्रदेश में इतने सारे स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, सब जगह के हमें दिया है, ठीक है। तो ये सारी जो डिस्कशन हमने की वो बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फीस कितनी होनी, फीस क्या क्या है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आई होप कि आपको सारी चीज़ों में समझ आ गया होगा, और सभी लोग जैसे ही 18 तारीख को फॉर्म भरना शुरू होता है आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, ताकि बाद में फिर दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। इफ इज देर एनी एक्सपर्ट फैकल्टी हु वॉन्ट टू जॉइन कछुआ, दे कैन जॉइन कछुआ। इफ यू आर एन एक्सपर्ट फैकल्टी ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ GPSC, UPSC, स्टैंडर्ड 5-12, गुजराती इंग्लिश मीडियम, IBPS, स्पोकन इंग्लिश, टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, देन वी वेलकम यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कछुआ, यू कैन जॉइन कछुआ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।